नमस्कार दोस्तों, PCS गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनवरी का करंट अफेयर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहला पार्ट वन ऑलरेडी हमने कर लिया है, आज हम पार्ट टू की पढ़ाई करेंगे। पार्ट वन में हमने कुछ 25 क्वेश्चन देखे थे, आज पार्ट टू में आगे के 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन के बीच में हम आज कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा जनवरी का जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। UPPCS में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, 40 से 45 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स से संबंधित मिलेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छा करके आते हो तो यकीन मानिए कि आपका PCS प्री को क्रैक करने का जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब चूंकि एग्जाम को काफ़ी दिन रह नहीं गए हैं, बस 2 महीने का समय रह गया जब ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फास्ट मोड पर कर दीजिए, और जो भी कमियां आप महसूस कर रहे हो, जो भी आपको लगता है कि जहां पर भी आपको कुछ कमी है, चाहे वो CSAT में हो, चाहे वो सिलेबस खत्म करने पे हो, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। रिवीजन पे ज़्यादा अपने आप को रखिए, रिवाइज कीजिए, जो भी अब तक आपने पढ़ाई किया है उसको रिवाइज कीजिए। नया, बहुत ज़्यादा नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश करें कि जो आपने पढ़ा है बस उससे गलत नहीं होना चाहिए। कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आ रही है, तो नंबर मैंने दिया हुआ है, आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, और कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे अपने आप से, उसमें आके मैं हेल्प कर दूंगा मैम। फिलहाल अब हम आज देखेंगे 26 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर करंट अफेयर्स इंग्लिश में नहीं है। देखिए, करंट अफेयर्स जो है, ये जो PDF है, ये सेम PDF इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होकर मैंने अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है PCS गुरुजी ऑफिशियल, ठीक है, PCS गुरुजी ऑफिशियल जो है, PCS गुरुजी ऑफिशियल, इसके ऊपर मैंने ये ऑलरेडी जनवरी का करंट अफेयर्स मैंने डाल रखा है। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और भी करंट अफेयर्स के अंदर है, इंग्लिश करंट अफेयर्स भी है, तो ये टेलीग्राम पे है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी वाले ज्यादा होता है इसलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं आपको मैं। चलिए, 26वां क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं, समझ लेंगे। दो स्टेटमेंट है, पहला क्या, पहले जब इस तरह के सवाल आते हैं स्टेटमेंट वाले, सबसे पहले आपको यहां शुरू करना है कि कौन सा कथन सही है, ये पढ़ना पहला पड़ता, ठीक है ना। अब आप देखिए, इसको अंडरलाइन कर लिया करो, जब एग्जाम है तो इसको अंडरलाइन कर लिया करो, कि पहले आप इससे फोकस करो। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच में गूगल के एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप खरीदा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी है, कौशल विकास मंत्री भी है। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट जो है के तीसरे चरण की शुरुआत की है। दो अलग अलग जोन के अलग अलग स्तर के क्वेश्चंस हैं, और उसने बोला कि इसमें कौन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपके दोनों ही जो हैं वो सही हैं, 1 और 2 दोनों ही इसके अंदर सही हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए गूगल ने एक इसराइल की जो कंपनी है उसको खरीदा है। मैं पढ़ रहा हूँ इसका सोल्यूशन जो है, ये जो मैंने आप हाथ में है, ये आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो इसके सोल्यूशन साथ में मिलेगा आप, इसलिए टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं पढ़ देता हूँ आप, क्या ना सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बल्कि हमें और भी बातें पता लग जाएंगी। साइबर सिक्योरिटी के बढ़ते खतरों के बीच गूगल ने एक साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप को खरीद लिया है। अल्फाबेट की स्वामित्व वाली गूगल की जो ओरिजिनल कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। गूगल की जो, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था गूगल था, लेकिन और भी कंपनियां गूगल ने चलाई, ठीक है। तो अब मेन जो कंपनी हो गई है, जो पेरेंट कंपनी है, उसका नाम है अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल ने 4 जनवरी को बताया कि कंपनी के क्लाउड डिवीजन ने इजराइली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है। बढ़ते साइबर हमलों के बीच कंपनी ने अपनी सुरक्षा का विस्तार किया है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो जैसे मैंने कहा कि जो अल्फाबेट ने इजरायली कंपनी सिंप्लीफाई को खरीदा है, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि 3 जनवरी को जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री भी हैं, उन्होंने नीट के तीसरे चरण की शुरुआत की है। नीट यानी कि जो आपका नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नाम से इसका फुल फॉर्म है, स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया इसका 1 और 2 आंसर, दोनों आंसर सही है। अब यहां देखते हैं 27वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म अवार्ड, ठीक है।
सम्मानित सिंधु ताई सपकाल को 4 जनवरी 2022 को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? पहली चीज देखिए, पहले तो हमें देखना सिंधु ताई जी जो थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो देखिए वो सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने जितने भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से केयर करके उनको रखा, उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया हुआ है। तो काफी रिनाउंड पर्सनैलिटी है। अभी हाल में इनको पद्म अवार्ड्स मिले थे इनको, ठीक है। काफी वीडियोस भी इनके यूट्यूब पे हैं जहां पर वो अच्छी अच्छी बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं, काफी मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं। उनका निधन हो गया। एक चीज मैं यहां से जोड़ना चाहूंगा कि पद्म अवार्ड्स हैं, अगर आपने अगर पॉलिटी वगैरह पढ़ते होंगे आप, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा हूं, आर्टिकल 18 है वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। जो टाइटल होते हैं उसको खत्म करना, एवोल्यूशन करना, ठीक है। अगर ये आर्टिकल 18 कहता है कि कोई टाइटल वाइटल नहीं होना चाहिए तो ये पद्म अवार्ड जो है वो क्या देना सही है? ये अब आपको जो है, मैंने पॉलिटिकल सवाल डाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर आर्टिकल 18 कहता है कि कोई भी टाइटल नहीं होना चाहिए, कोई टाइटल नहीं सकते, तो ये पद्म अवार्ड हो गया या भारत रत्न हो गया, तो ये अवार्ड क्यों दिए जाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल में ही जनवरी 2022 में किसने सार कार्यक्रम की शुरुआत की है? सार कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है DRDO, स्वच्छ गंगा मिशन, नीति आयोग या स्मार्ट सिटी मिशन। देखिए जो सार कार्यक्रम है, सार, इसका शुरुआत की है स्मार्ट सिटी मिशन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है, अब सार का क्या है मैं थोड़ा पढ़ देता हूं उसके अंदर आपको। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, क्या है, स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, स्मार्ट सिटी एकेडमिया एंड एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरुआत की। किसने शुरुआत की? स्मार्ट सिटी मिशन ने शुरुआत की है, ठीक है। यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और देश के अग्रणी भारतीय शिक्षण संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। तो कौन कौन इसके इन्वॉल्व है? आवास और शहरी मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, ये सब बड़े बड़े जो हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट के लोग जो विभाग हैं, उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण करेंगे, यानी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करेगी और शहरी चिकित्सकों और शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूचना के प्रसार का उपायों का उल्लेख करेगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे स्टूडेंट्स सीख पाएंगे, चीजों को सहज पाएंगे और आगे अपनी पीढ़ी को बढ़ावा दे पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 29वां सवाल है, हाल ही में किसने 2022 में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति, यानी कि काउंटर टेररिज्म कमेटी के अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? किसने काउंटर टेररिज्म कमेटी का अध्यक्ष पद को ग्रहण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है TS त्रिमूर्ति। कौन है? TS त्रिमूर्ति साहब है, इन्होंने इस पद को लिया हुआ है, ठीक है। आगे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कौन, ये इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद निरोधी समिति। केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड, यानी पैन कार्ड जो हमारा होता है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का नियम, जो नहीं जोड़ेंगे, ना जोड़ने वालों पर कितने हजार रुपए का जुर्माना देने की बात की है। देखिए 31 मार्च तक सबको पैन को, अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना था, और जो लोग 31 मार्च तक नहीं कर पाए होंगे, अब तो ज्यादा हो चुका है, अब तो 5 अप्रैल है जब ये वीडियो बन रहा है, तो 10,000 रुपए का उनको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, 10,000 रुपए का फाइन इनको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई कोऑपरेशन से कहते हैं, शंघाई कोऑपरेशन जो है कि नए महासचिव का पद प्रभार संभाल लिया, ठीक है। वह यहां पर 5 लिखा होगा, 5 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे।
कौन सा कथन सही है? अब देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला केवल वन जो है वो सही है, केवल वन जो है वो सही है। क्यों? इसमें क्या है कि चीन के वरिष्ठ राजनयिक जहांग मिंग ने एससीओ के महासचिव का पद संभाल लिया और ये लगभग तीन वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। काफी एक्सपीरियंस इनको है और रहेंगे। अच्छा, अब हमें समझते हैं कि ये एससीओ क्या चीज है। काफी क्वेश्चन पूछते हैं एससीओ क्या है, मैं पढ़ता हूं। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना सन 2001 में हुई है। कब हुई है? 2001 में हुई है, ठीक है। और कहां पे हुई थी? शंघाई, यानी जो चाइना का जो शंघाई शहर है वहां पर हुई थी। और इसमें रूस शुरुआत, जब 2001 की बात कर रहे हैं, रूस, चीन, किर्गिस रिपब्लिक यानी कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कौन कौन है फिर से पढ़ता हूं मैं, चीन हो गया, रूस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान है। इनके इनके राष्ट्रपति यहां मिले और ये शिखर सम्मेलन है, यानी कौन है, समिट है ये, यानी कि इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो होगा, टॉप लेवल का बंदा होगा, वो इस मीटिंग को करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, जो सबसे टॉप लेवल होगा, शिखर सम्मेलन है ये शब्द आप बार बार आता है, शिखर सम्मेलन मतलब टॉप लेवल का आदमी यहां पे जाएगा। विदेश मंत्रालय वाला बंदा नहीं जाएगा, विदेश मंत्री नहीं जाएंगे, ये छोटे मंत्री नहीं जाएंगे, टॉप लेवल जाएंगे। तो एससीओ एक शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में इसके सदस्य कौन कौन है? ये तो शुरुआत 2001 में हो गया, अब कौन कौन है इसमें? कुछ लोगों ने, कुछ देशों ने बाद में ऐड किया। कौन कौन है वर्तमान में इसके सदस्य देश में? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान शामिल हुए। तो भारत, पाकिस्तान, ईरान बाद में इसके अंदर शामिल हुए। 2015 में 17 में भारत और पाकिस्तान इसके अंदर सदस्य बने हैं। और इसकी जो मुख्यालय है वो बीजिंग के अंदर है। कहां पर है? बीजिंग में है। ये शंघाई में, शंघाई कॉर्पोरेशन, लेकिन इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग यानी कि चीन में बीजिंग जो शहर है वहां पर है। 32वां क्वेश्चन क्या है? गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे, कौन सही नहीं है ये देखना है। प्रताप सिंह राणे को राज्य मंत्री परिषद का आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया है। वह अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्री परिषद के आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले पहले विधायक होंगे। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए भैया, ये सही नहीं है स्टेटमेंट, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। तो केवल कौन सही नहीं है? केवल दो। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके, प्रताप सिंह राणे जो हैं वो मुख्यमंत्री गोवा के बहुत पुराने एक विधायक रह चुके हैं, कई बार जीते हैं और लगभग 16 साल तो वो मुख्यमंत्री पद पर रहे, 85 साल की इनकी एज हो चुकी है। तो गोवा से आते हैं और एक गोवा, यहां पर अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, गोवा होगा। तो गोवा के राज्य मंत्री परिषद के आजीवन कैबिनेट यानी कि लाइफ लॉन्ग जब तक वो जीवित रहेंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, ये सम्मान दिया गया है क्योंकि इतने साल तक वो विधायक पद पर रहे, ठीक है। तो ये ऐसा प्राप्त करने वाले पहले विधायक होंगे, इस सम्मान में दिया जा रहा है कि भाई 16 साल आप वहां पर रहे, आप लगभग 50 वर्षों से अधिक उनकी सेवा का उन्होंने की है, 50 वर्ष से ज्यादा वो विधायक के रूप में रहे, 16 साल तो उसमें वो सीएम रहे हैं वो, ठीक है। ब्लू बुक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लू बुक जो हाल ही खबरों में थी, किस सशस्त्र बल समूह का मैनुअल है ब्लू बुक? सबसे इंपॉर्टेंट है यह है एसपीजी का। किसका? एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का यह है। इसमें देखिए क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जनवरी में पंजाब जा रहे थे, पंजाब में वहां पर कहीं पे कुछ लोगों ने विरोध किया और उनका जो काफिला है वो रुक गया, एक हाईवे के ऊपर, एक पुल के ऊपर उनका काफिला रुका, मोदी जी 15 मिनट तक फंसे रहे। ये एक सुरक्षा में चूक कहा जाता है, ठीक है, सुरक्षा में चुका जाता है। तो एसपीजी जो है वो वीवीआईपी के सिक्योरिटी को, जो उनका किस चीज से वो फॉलो करते हैं, उस किताब का नाम है ब्लू बुक। एक मैनुअल है, मैनुअल है जो कि बताएगा, गाइडेंस देगा एसपीजी को कि भाई प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो आपको ये चीज फॉलो करनी है, अगर गृहमंत्री आएंगे तो ये फॉलो करना है। तो ब्लू बुक जो है वहां से ये निकाल का, ये मैनुअल है, ये एक एसपीजी का है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा है वो एसपीजी देख रही है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देख रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। सी ड्रैगन 2022 बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहां शुरू हुआ है?
देखिए सी ड्रैगन जो है वो प्रशांत महासागर में स्टार्ट हुआ है, प्रशांत महासागर में हुआ है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस और साउथ कोरिया की नौसेनाओं के साथ, नौसेना के साथ, यानी कौन कौन इसके अंदर है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस और साउथ कोरिया की नेवी ने के साथ पश्चिम प्रशांत महासागर के गुआम एंडरसन वायु सेना बेस में सी ड्रैगन 2022 अभ्यास हुआ है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये नेवी मिलिट्री की नेवी एक्सरसाइज है। क्या है? नेवी एक्सरसाइज है ये। इसमें क्वाड के क्वाड कंट्रीज जुड़ी है इसमें। क्वाड कौन है? जो आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चार जो कंट्रीज है जो जिससे क्वाड बनाते हैं वो इन्वॉल्व हुए। साथ में कुछ जो अमेरिका के दोस्त हैं, जैसे साउथ कोरिया हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, वो लोग ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो क्वाड कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, साथ में आपका साउथ कोरिया और आपका साउथ कोरिया और कनाडा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो क्वाड है ये एक तरह का एंटी चाइना ग्रुप है, चाइना के विस्तारवादी सोच को काउंटर करने के लिए ये बनाया गया है। और इसमें इंडिया का बहुत डिसाइसिव रोल है इसके अंदर, और जो अमेरिका है वो चाहता है कि इंडिया जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे चाइना के जो जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपना रखा है, क्योंकि चाइना का पंगा जापान से भी है, चाइना का पंगा ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रेड को लेकर है, जापान से तो खैर उनका किसी टापू को लेकर भी है, ऑस्ट्रेलिया से उनका ट्रेड को लेकर है, साउथ चाइना सी के आसपास जो ट्रेड है वहां पर है, इंडिया से भी उनका बाउंड्री डिस्प्यूट है और अमेरिका से तो उसका एक वर्चस्व की लड़ाई है। ठीक है, 35वां सवाल, 2022 में ई प्रशासन पर, ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई प्रशासन में 24वां राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? देखिए तो ई प्रशासन के ऊपर जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ है वो हुआ हैदराबाद तेलंगाना में हुआ है। कहां हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में हुआ ई प्रशासन के ऊपर, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया जाए उसके ऊपर हैदराबाद में ये हुआ है। ठीक है, किस देश ने यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन ईयू, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण की है? ये अमूमन 6-6 महीने के लिए हुआ है, तो 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्षता है वो फ्रांस ने ग्रहण की है। किसने की है? फ्रांस ने ग्रहण की है। निम्नलिखित लिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही नहीं है, हमें क्या देखना है? सही नहीं है। पाकिस्तान की न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक का नामांकन मंजूरी दी है। ठीक है, उसके बाद जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई दोनों सही है, इनफैक्ट दोनों सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं और इसमें क्या आएगा? ठीक है, इसमें देखिए पहले चीज क्या है, जो आयशा मलिक हैं इसमें ये आएगा, आयशा मलिक जो है फर्स्ट पाकिस्तान की महिला सुप्रीम कोर्ट जज हैं, बन रही हैं, पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है। ठीक है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या करना है इसके अंदर? कथन सही नहीं है। पेट्रोलियम निर्यातक कंट्री ओपेक, ओपेक के बारे में पता आपको? ठीक है, ऑल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज, हिंदी में होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्ट कंट्रीज ने कुवैत के हेतम अल घिस को नया महासचिव नियुक्त किया है। चलिए, यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1950 के बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। दो स्टेटमेंट हैं, अब पहला देखते हैं। देखिए ये बिल्कुल सही है, ओपेक की मीटिंग होती है जिसमें कुवैत के हेतम अल घिस को महासचिव बना दिया जाता है। ओपेक जो है वो कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका जो नया महासचिव होगा वो कुवैत के हेतम अल घिस होंगे। ठीक है, अच्छा अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ये स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1950 में नहीं 1960 में हुई है, बगदाद सम्मेलन के माध्यम 50 में नहीं हुई है 1960 में हुई है बगदाद सम्मेलन में, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें कौन सा गलत है? केवल टू गलत है, पहला सही आंसर इसके अंदर। अच्छा अब इसमें दो तीन बातें और पढ़ लेते हैं ओपेक के बारे में। इस संगठन
का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीति का समन्वय और एकीकरण करना है, यानी कि अलग अलग कंट्री अलग अलग पॉलिसीज ना बनाए ऑयल को लेकर, एक ही पॉलिसी बनाए, ऐसा ना हो कि कुछ लोग किसी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके अपना तेल सस्ता बेच रहे हैं तो उससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, एक ही पॉलिसी बनाई जाए और इसमें पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना और उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल आर्थिक और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। तो जो बाजार है वो भी एक यूनिफाइड रहे, ऐसा ना हो कि मिसयूज हो जाए, कोई कंट्री ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ओपेक कंट्री बनाया गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो भैया इस बार जो दिया गया है वो उत्तर प्रदेश को वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पुरस्कार मिला है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर पुरस्कार मिला है। और जल शक्ति मंत्रालय, और कौन देता है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सबको पता है प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो उनकी याद मनाया जाता है। 2003 से लगातार मनाया जा रहा है, 17वां इस बार मनाया गया, और इसमें यह रखा गया था कि जो एनआरआईज हैं या जो बहुत पहले भारत से बाहर चले गए थे लेकिन वो मूल रूप से भारतीय हैं तो उनको सम्मानित करना और उनको दोबारा से अपना रूट से जोड़ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। एक हमारे भवन मिनिस्टर हुआ करते थे लक्ष्मी मल सिंघवी, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था और उसके बाद से लगातार इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम कहां उद्घाटन हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो हैदराबाद में हुआ है, हैदराबाद में ओपन रॉक संग्रहालय, मतलब कि जो भी रॉक्स आपका बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है उन सबका संग्रहालय रहा है। तो ये कहां पे हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, हनी ठीक है, शहद हनी प्रोसेसिंग वैन किसने लॉन्च की है? देखिए ये जो है हनी प्रोसेसिंग लैब जो है ये खादी और ग्राम उद्योग ने किया है, खादी विकास ग्राम उद्योग जो है इसने इसको लॉन्च किया है। और ये जो कहां किया है ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहां किया गया? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरोरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है, यानी कि जो शहद निकालकर प्रोसेस करेगा, और इसको स्वीट क्रांति बोला गया। क्या बोला गया है? स्वीट रेवोल्यूशन। हमने क्या पढ़ा है? ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, येलो रेवोल्यूशन पढ़ा है, व्हाइट रेवोल्यूशन पढ़ा है, उस तरह से शहद के लिए स्वीट रेवोल्यूशन है जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से शुरू हुआ है और खादी एंड ग्राम उद्योग आयोग ने इसको स्टार्ट किया है और इसमें विनय कुमार सक्सेना साहब ने पार्टिसिपेट किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ कोरिया ने हाल में ही नॉर्थ कोरिया के पूर्व प्रांत अनहुई में सफाई भौतिक विज्ञान में कृत्रिम सूर्य का पर एक प्रयोग किया है, तो क्या ये सही है? हमें सही से देखना है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सन, जो सन है ना, एक तो हमारा नेचुरल सन है और एक है हमने मैनमेड सन है, तो इंसानों द्वारा बनाया गया सन है। जो इंसानों ने बनाया सन है वो नॉर्थ कोरिया की बस की बात ना है जी, ये चाइना की बस की बात है। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, चाइना ने बनाया है, ठीक है। और 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिकों ने इस पार्टिसिपेट किया और इस प्रोजेक्ट में भाग लिया, जिसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट नाम दिया। क्या है? एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक ईस्ट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो केवल दूसरा राइट हो जाएगा। और ये जो है ये न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये फिजन और फ्यूजन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फर्क है। ये आपका कमेंट बॉक्स में जाइएगा, होमवर्क है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या फर्क रहता है। चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल सन बनाया है जो कि हमारे सूरज से लगभग 10 गुना ज्यादा
गर्मी प्रोड्यूस करता है। अभी आपको बताना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में क्या फर्क होता है, ये बताइएगा मुझे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड संदर्भ में निमित कथनों विचार कीजिए तथा सत्य कथनों पर चयन कीजिए। लॉस एंजलिस में ब्रेवली हिल्टन होटल में 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई है। तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लॉस एंजलिस के ब्रेवली हिल्टन होटल में 79th ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड म्यूजिक से और सिनेमा से जुड़े हुए अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, और लॉस एंजलिस में। और दूसरा क्या है, द पावर ऑफ डॉग को बेस्ट कॉमेडी म्यूजिकल चुना गया, ये सेरेमनी गलत है। पावर ऑफ डॉग जो है बेस्ट मूवी है, बेस्ट मूवी दिया गया है, बेस्ट मूवी दिया गया है, नॉट बेस्ट कॉमेडी म्यूजिकल। तो सिर्फ केवल एक राइट है। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। एक चीज और होती है, 14 सितंबर इसमें क्या मनाते हैं? इसको मनाते हैं हिंदी दिवस। ये क्या है? विश्व हिंदी दिवस 14 जनवरी, ये क्या है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। इसमें क्या हुआ था? इसमें राज्यभाषा हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा ने मुखिया था, राजभाषा के रूप में। तो 14 सितंबर को पारित हुआ था, इसको हम हिंदी दिवस मना लेते हैं। लेकिन विश्व हिंदी दिवस में पहली मीटिंग हुई थी, अच्छा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। 10 जनवरी 1978 को नागपुर में संपन्न प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के अवसर पर इसको आयोजन किया था, जिसमें 30 देशों के लगभग 122 रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था वो 10 जनवरी को नागपुर में 1978 में हुआ था, इसलिए हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन 14 सितंबर को जो मनाते हैं उसको हम बोलते हैं हिंदी दिवस, जो कि इस दिन राजभाषा के रूप में इसको हुआ था, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पंजाब द्वारा सुरक्षा चूकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? जो सुरक्षा चूक हुई थी उस किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है? तो इसमें है सुधीर कुमार सक्सेना साहब जो हैं वो इसके कमेटी के हेड बनेंगे, सुधीर कुमार सक्सेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने ब्लू बुक पढ़ ली, हमने ब्लू बुक देख लिया कि ब्लू बुक जो होती है वो क्या चीज, एक मैनुअल होता है, ठीक है, जो एसपीजी को मैनुअल देता है। और यहां पर देखा कि उन चूक का कौन देखेगा, वो देखेगा सुधीर कुमार सक्सेना साहब। क्या बोलेंगे? हाल ही में मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के गंभीर चूक की जांच के लिए समिति गठन किया। यह 3 सदस्यीय समिति है और इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे, ठीक है। और इसमें बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी और सुरेश आईजी एसपीजी शामिल हैं। समिति को पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में कथित चूक के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। चलिए, खेलो इंडिया 2023 बच्चे जो गेम होते हैं, खेलो इंडिया प्रोग्राम होता है 2023, इसकी मेजबानी कब करे, कौन करेगा? तो 2023 में कौन करेगा? तो 2023 में मध्य प्रदेश करेगा। कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी की मिली है। राज्य सरकार ने इस गेम्स के आयोजन सहित अन्य खेलों के आयोजन के लिए 215 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है, ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, ठीक है, खेलो इंडिया 2022-23 के लिए। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल साहब जो पूर्व आरबीआई के हेड रहे थे, मोदी जी कहने के बाद बुलाया गया था रघुराम रावजन की जगह, और उसके बाद हट भी चले भी गए थे, ये खुद रेजिग्नेशन दे दिया था। तो उन्हें AIIB का उपाध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। चलिए, बाकी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रह गए। केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया, ठीक है, और समय देखना है कौन सही नहीं है। ये सही है, टाटा आईपीएल 2022 का शीर्षक एक टाइटल स्पॉन्सर है, बिल्कुल टाइटल स्पॉन्सर है, तो ये इसमें भी आंसर आ जाएगा। तो टाटा जो है वो आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर तो है ही है, और इसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10 जनवरी 2022 को पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का उद्घाटन किया है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन क्या है,
इंडिया स्किल्स 2021, इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स, इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए और सत्य कथनों का देखिए। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स का समापन हुआ। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSME के मार्गदर्शन में काम कर रहा था। तो इसमें से कौन सा सही है? लेकिन इसमें दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। अब मैं पढ़ता हूँ, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2021 नेशनल्स समापन हुआ। यह कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई है तथा युवा लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। भारतीय कौशल प्रतियोगिता हर दो वर्षों में राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से आयोजित की जाती है। इसमें जमीनी स्तर पर पहुंचने और प्रभाव डालने की क्षमता राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के मार्गदर्शन में काम करने के लिए राज्यों के प्रदर्शन में उड़ीसा चार्टर सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र है। सबसे नंबर वन पे उड़ीसा आता है इस चीज़ को नेशनल स्किल देखने के लिए, ठीक है। और ये हमने जनवरी का करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दो पार्ट के अंदर। उम्मीद है पसंद आया होगा आपको, समझ आ रहा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से मैंने आपको दे दिया है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए 2 से 3 सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे, जरूर पढ़िएगा, तभी आपका पूरा एक सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने ढंग से कवर कर लिया तो यकीन मानिए आप एग्जाम को क्रैक कर ले जाओगे, भरोसा रखिए अपने ऊपर। बाकी फोन नंबर मैंने दिया हुआ है, जब चाहे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।